और संसार क्या है, बोले जिसको आप जितना भी पकड़ना चाहें वो कभी पकड़ में नहीं, जो कभी छूटे नहीं वो राम, और जो कभी पकड़ में आए नहीं वो संसार। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी ने भगवान का नाम किया राम आनंद, और अखिल लोकदायक विश्राम। ये रामचरितमानस में विश्राम शब्द बार बार आता है। कौन से प्रभु प्रकट हुए, तो बोले जो पूरे दुनिया को विश्राम देने वाले। देखो एक होता है आराम और एक होता है विश्राम। हम कई बार होटल वगैरह में जाते हैं तो आराम तो मिल जाता है लेकिन विश्राम नहीं मिलता। विश्राम थोड़ा गहरा है। होटल में जाते हैं तो वहाँ पे आराम मिलता है, लेकिन यदि वहाँ ज़्यादा दिन रहने लगे बिना पैसे दिए तो क्या निकाल दिया जाता है। बोलो जहाँ से निकला न जाए, निकाला न जाए, वो है विश्राम। घर में जो मिलता है ना विश्राम। होटल में हमको कितना भी बढ़िया वो नौकर हो चाकर हो, लेकिन घर में जो टूटे कप में जो गर्म चाय हम पीते हैं उसका कुछ अलग ही एक संतोष है ना। तो विश्राम कहाँ, तो बोले परमात्मा। अपना वास्तविक घर वही है, कल मैंने बताया था रामायण का। तो अखिल लोकदायक विश्रामा ये राम। अच्छा राम जी के दूसरे जो छोटे भाई हुए, राम जी से छोटे कौन हुए, सब लोगों को लगता है लक्ष्मण जी छोटे हैं ना, दूसरे नंबर पर भरत जी। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ऐसा, तो भरत नाम रखा गया। भरत का अर्थ क्या, तो बोले विश्व भरण पोषण कर, जो भरण करे जगत का पोषण करे वो है भरत। क्या सुंदर नाम, जो जो जरूरत है उसका पोषण करे। और भरत जी ने ये किया 14 साल तक, शारीरिक मानसिक बौद्धिक जो भी जरूरत है प्रजा की वो उन्होंने पूरी। पोषण होना चाहिए। आज राजा लोग क्या कर रहे हैं, नेता लोग शोषण कर रहे हैं, कितना खींच सकते हैं, लेकिन राजा कैसा होना चाहिए, भरत। तो भरत नाम रखा। तीसरा लक्ष्मण ये नाम रखा। लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है, लक्ष्मण को अवधि में बोल देते हैं लक्ष्मण, बड़ा सुंदर लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ होता है जिसका मन लक्ष्य में हो उसको कहते हैं लक्ष्मण। जिसका मन इज फोकस ऑन द गोल, इसलिए आप देखते हैं लक्ष्मण जी कभी राम जी से दूर नहीं होते, इज ऑलवेज लुकिंग एट राम, ऑलवेज सर्विंग राम। लक्ष्मण, और लक्ष्मण का दूसरा अर्थ होता है जो शुभ लक्षणों से युक्त है वो है लक्ष्मण। गुण आगार जा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, शेषनाग क्या अवतार है लक्ष्मण। और शत्रुघ्न मतलब क्या, चौथे जो नामकरण किया शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मतलब शत्रु हंती इति शत्रुघ्न, जो शत्रु को मारे वो है शत्रुघ्न। अब आप देखते हैं रामायण में शत्रुघ्न तो एकदम साइलेंट है, उनका कुछ आता पता ही नहीं, तो कौन से शत्रु को मारा उन्होंने, बोले बहुत बड़ा शत्रु है वो उन्होंने मारा है और उसका नाम है अहंकार। अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं, अहंकार से घातक चीज कोई नहीं। बड़े बड़े व्यक्ति नीचे न जाने नारी भूत अरुबा।
बाल चरित्र, भगवान का बाल चरित्र बड़ा सरल था। देखो एक बात बताएं, भगवान कृष्ण और भगवान राम में आप देखें, रामचंद्र जी का आपने शिशु रूप देखा है क्या, बाल रूप में कोई फोटो देखा है क्या? बहुत ही कम देखा है, छोटे से राम। राम मतलब हमेशा धनुष बाण धारण के एकदम सीधे खड़े हैं, लेकिन कृष्ण तो क्या, हाँ लड्डू को बाल, बाल कृष्ण माखन चो। तो कृष्ण जी की बाल लीला बड़ी पसंद, लेकिन राम जी की बाल लीला ज्यादा नहीं है, बस एक ही है वो ठुमक चलत रामचंद्र, है ना, टुमक टुमक कर चलते हैं। और कौशल्या जी उनको दही रोटी खिलाती, कौवे को बुला देती, चिड़िया को बुलाती, वो चित्र भगवान ने वो सारी कसर कृष्ण अवतार में कर, बाल लीला खूब। तो यहाँ के ना बाल चरित्र अति सरल हुआ है, बड़ा सरल हुआ उनका चरित्र शिशुपन में। उसके बाद कुमार हो गए वो और गुरु ग्रह पढ़ने गए, भगवान कहाँ गए, गुरुकुल में पढ़ने गए। हाँ, और देखिए आश्चर्य, जिसके श्वास प्रश्वास से सारे वेद और ग्रंथ प्रकट हुए वो वेद पढ़ने